किंग्स इलेवन पंजाब को लगा दोहरा झटका, अब क्या करेगा टीम मैनेजमेंट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आईपीएल के इस टूर्नामेंट का खेल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही खिलाड़ियों के साथ समस्याएं आने लगी है। इस टीम मैनेजमेंट के माथे पर शिकन पड़ने लगी है। इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन करने में लगी किंग्स इलेवन पंजाब को उस समय दोहरा झटका लगा जब उसके दो खिलाड़ी चोट लगने की वजह से घायल हो गए। मोहाली में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान किंग्स इलेवन पंजाब के मुजीब उर रहमान और मोजिस हेनरी केस घायल हो गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में डेब्यू करने वाले किंग्स इलेवन पंजाब के मोजिस हेनरी केस उस समय घायल हो गए जब मैच से पहले फील्डिंग करते समय एकल में चोट लगा बैठे। मुजीब उर रहमान रन बचाने के लिए बाउंड्री पर बॉल पकड़ने की कोशिश करते समय कंधे में चोट लगा बैठे। इन दोनों खिलाड़ियों के घायल हो जाने में टीम मैनेजमेंट की समस्या उत्पन्न हो गई है कि उतने स्किल वाले खिलाड़ी कहां से लाए। किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि हेनरी केस अभी अभ्यास के दौरान कैच पकड़ने के प्रयास में एंकल में चोट लगा बैठे, जबकि मुजीब उर रहमान मैच के घायल हो गए। टीम के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने दोनों खिलाड़ियों को लगी चोट की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ियों की चोटों की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अश्विन ने बताया कि हेनरी केस की जगह दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी डेविड मिलर को टीम में शामिल कर लिया गया है। तीन ओवर की गेंदबाजी करने वाले मुजीब उर रहमान की जगह पर सब्स्टिट्यूट के रूप में सैम कुरन को दूसरी पारी में शामिल किया गया था। मैच प्रेजेंटेशन के बाद अश्विन ने कहा कि हमें मजबूरी में मैच के दौरान टीम में परिवर्तन करने पड़े। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।